स्वागत है आपका सिटी एट नाइन में खबरों के साथ, मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात तो रतलाम में पथराव और बवाल मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और इतना ही नहीं 13 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 300 से ज्यादा पुलिस बल क्षेत्र में तैनात किया गया है और पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आपको ये भी बता दें कि कल मोचीपुरा में गणेश मूर्ति स्थापना जुलूस के दौरान पथराव हो गया था। थाना पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए 2 बत्ती चौराहे और छतरीपुर पर आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को नियंत्रित किया। विवाद के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से शहर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर, आप पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए, अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है वहां पर, कैसे हालात बने अभी? देखिए, 2 बटालियन बुलाई गई है जावरा से और धार से। 2 बटालियन और रतलाम शहर पुलिस के करीब मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो 300 से ज़्यादा जवान मुस्तैद है। हर एक जो एक्टिविटी है उस पर कड़ी यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं। और कल रात में जो बवाल हुआ था उसके बाद से पुलिस लगातार जो जिन लोगों ने रतलाम शहर की फिज़ा बिगाड़ने की कोशिश की है उनको आइडेंटिफाई कर रही है। इस पूरे मामले में अभी तक के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि 13 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में 100 से 150 अन्य लोग भी शामिल है। जैसे जैसे पुलिस के सामने वीडियो फुटेज आएंगे उसके बाद आरोपियों के नाम और उनकी संख्या बढ़ सकती है। कल भगवान गणेश जी का जो चल समारोह निकल रहा था, भगवान गणेश जी की प्रतिमा के पास किसी शख्स ने पत्थर फेंका और उसके बाद से ही बवाल मच गया। लोग आक्रोशित होकर रतलाम के स्टेशन रोड थाना पहुंचे थे, एफआईआर लॉन्च करवाई, लेकिन उसके बाद मामला गड़बड़ा गया। भीड़ जो है मोचीपुरा और हाथीखाना क्षेत्र में पहुंची थी जहां पर दोनों पक्ष की ओर से पथराव शुरू हो गया, बवाल जैसे हालात मच गए और जो लोग है भागते दौड़ते नजर आए। पुलिस को लाठियां तक भाजनी पड़ी और स्टेशन रोड के पास जो है स्टेशन रोड थाने के पास में पुलिस को आंसू गैस का भी प्रयोग करना पड़ा। इस पूरे मामले के बाद हालांकि रतलाम शहर में पूरी तरह से शांति है और रतलाम SP जो है करीब 11 से 12 बजे के बीच प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि आखिर पूरा ये जो घटनाक्रम है कैसे हुआ, कहां चूक हो गई और किन लोगों की इसमें गलती है। तो पुलिस लगातार जो क्षेत्र में लगे CCTV है उनको खंगाल रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब गणेश उत्सव आता है, नवरात्रि आती है, तभी इसी समय ही शहर की फिजा बिगाड़ने का प्रयास आखिर कौन लोग हैं जो हर बार करते हैं? ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी रतलाम में 2 से 3 बार कर्फ्यू लग चुके हैं, पॉलिटिकल यहाँ पे हत्याएं हो चुकी है और शहर का ये फिजा बिगाड़ने की कई बार कोशिश की जा चुकी है। तो चूक कहाँ हुई इस बात को भी अब देखना होगा। पुलिस लगातार जो है अब एक्शन लेने के मूड में है और देखना यह है कि आखिर पुलिस का अगला कदम इस मामले को लेकर क्या होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे जहां दुर्ग में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। 2 पक्षों में हुए विवाद में 3 भाइयों की हत्या कर दी गई है। 10 लोगों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लाठी डंडों और चाकू से हमला किया गया। नंदनी खुंदनी गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। DJ की धुन पर नाचने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। 2 पक्षों में हुए विवाद में 3 भाइयों की हत्या कर दी गई। 10 लोगों ने मिलकर हत्या की है। लाठी डंडों और चाकू से हमला किया गया। नंदनी खुंदनी गांव में वारदात हुई है। DJ की धुन पर नाचने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पन्ना जिले में सांप के डसने से एक महिला की मौत हो गई। मामला शाहनगर तहसील के महागांव का है, जहां अंदरूनी क्षेत्र में स्थिति इस गांव में महिला को सांप ने डस लिया था। ग्रामीण महिला को अमदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया, ले जाया जा रहा था, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दरअसल गांव में सड़क ना होने की वजह से ग्रामीण उसे डोली में रखकर 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पहुंचते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। महिला को डोली के सहारे ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए,
जब महिला को खुद के जुगाड़ से ले जाया जा रहा है अस्पताल। हालांकि महिला की मौत हो गई है। संवाददाता वासु जुड़ गए हैं। वासु, अब वाकई में हैरान करते हैं कुछ तस्वीरें जो सामने आती हैं, जिस तरीके से महिला को कंधे पर टांग कर ले जाया जा रहा है और महिला की मौत भी हो जाती है, उसे अस्पताल तक पहुंचा भी नहीं पाते हैं जो परिजन हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया उसके बाद से अब थोड़ी बहुत सियासत भी देखी जा रही है, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि लोगों को वाहन नहीं मिल पाते हैं, सड़कें ऐसी नहीं है कि एम्बुलेंस उनके घर तक पहुँच पाए। बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो सरकारी और जो जिम्मेदार हैं वो ये दावा करते हैं कि गांव गांव तक विकास को पहुंचा दिया गया है, लेकिन कौन सा विकास गांव गांव तक पहुंचा है? इतना भी विकास नहीं हो सका है कि एक महिला को अगर कोई इमरजेंसी है या कोई मरीज है या किसी के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो उसे समय पर उचित इलाज मिल सके, उसके घर तक, उसके गाँव तक इतनी सड़क तो कम से कम हो कि जो बहुत ज़रूरी इमरजेंसी सर्विस होती है यानी कि एम्बुलेंस, उसका वाहन पहुँच सके। जिस तरीके का ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है, पन्ना और मैहर जिले की बॉर्डर का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला को सांप ने डस लिया और उसके बाद वहां पर आलम ये हो गया, स्थिति ये हो गई कि गांव में उसको प्राथमिक इलाज मिलना तो दूर की बात, वहां पर जो सबसे समीपस्थ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था वहां से एम्बुलेंस पहुंच पाती ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, और मजबूरन जो गाँव के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको चारपाई पर महिला को जो है वो अस्पताल तक ले जाना पड़ा। और जाहिर सी बात है कि जब खराब उबड़ खाबड़ और लंबे रास्ते होंगे तो उसमें अस्पताल तक पहुंचने में समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, और यही समय महिला के लिए जानलेवा साबित हो गया। और जब तक वो अस्पताल में पहुंचती, वहां पर डॉक्टर उसका इलाज करते, उससे पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। अगर ठीक होता आप चाहेंगे, दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अब विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। अब जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए। सीधे रुख करेंगे हमारे साथ बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। पूरा मामला पन्ना से, जहां पर कंधे पर टांग कर एक जुगाड़ से महिला को ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था, पहुंच नहीं पाती समय पर, 5 किलोमीटर का सफर इतना लंबा हो जाता है कि महिला की मौत हो जाती है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि सड़कें ही नहीं हैं, वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं ये? देखिए, जीतू पटवारी जी जो बोल रहे हैं शायद वो सही स्थिति सामने नहीं रख रहे। मुझे घटनाक्रम की पूरी जानकारी नहीं है जी, पर यदि किसी कारण से पूरे मध्य प्रदेश में भयंकर बारिश है तो किसी कारण से कोई विलंब हुआ तो निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन मध्य प्रदेश में यदि रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज की बात करें तो हम देश के राज्यों में टॉप 3 में आते हैं। ये वो बंटाधार सरकार या खस्ताहाल सरकार नहीं है, ब्लू काउंटर पे जाना, ब्लू बंटाधार सरकार या खस्ताहाल दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं है कि जहाँ सड़क कम और गड्ढे ज्यादा होते थे और सड़क ढूंढनी पड़ती थी। तो जीतू पटवारी जी को राजनीति करना है तो राजनीति करते रहे जीतू पटवारी जी, लेकिन जिस प्रकार की उनकी अप्रोच है ना, वो कांग्रेस की दुर्दशा का बड़ा कारण है जी। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये पूरा घटनाक्रम पन्ना से जो सामने आया है, जीतू पटवारी जी सवाल उठा रहे हैं, इस पर पंकज जी का ये कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे देश में बहुत बेहतर है मध्य प्रदेश का, और उसके बाद इस तरीके की सियासत। लगता है ये कांग्रेस से बीजेपी में जाके हमारे जो है पंकज भाई अखबार पढ़ना छोड़ चुके हैं। आज के अखबार में हेडलाइन है कि 10,000 किलोमीटर सड़कें बर्बाद हैं मध्य प्रदेश में, और सरकार के जो है 4 विभाग लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि तुम सुधारो तुम सुधारो। ये इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन पूरा देश इसको पढ़ रहा है। इनको ये नहीं मालूम है कि जो है देश का जो मंत्री है जो सबसे बड़े दावे करता फिरता है कि मैं 1,00,000 करोड़ की सड़कें बनाता हूँ, गडकरी जी, वो जबलपुर में आके मध्य प्रदेश की सड़कों की जो है घटिया गुणवत्ता के लिए माफी मांग चुके हैं सार्वजनिक रूप से। ये इनको याद होना चाहिए, ये सब बड़े बड़े झूठे दावे करने के। ये कांग्रेस में थे तो सच बोलते थे, आजकल बीजेपी में झूठ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ये तो एक अलग बात हो गई। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो पब्लिक हेल्थ की जो सर्विसेज हैं, उनको बर्बाद कर दिया इस प्रदेश की सरकार ने। अभी मैं शाहपुर गया था, शाहपुर में 9 बच्चे एक दीवार से दबकर मर गए। 25,000 की बस्ती है, उस अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं, वो जो है ANM के भरोसे चल रही हो अस्पताल। वहाँ के गांव के लोग रो रो के कलप कलप की बात कह रहे थे कि अगर आज वहाँ डॉक्टर होता तो वहाँ पर जो है 5 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। आज आप जो है कल्पना कीजिए, ये मध्य प्रदेश की हालत है, 20 साल से आप राज कर रहे हैं इस प्रदेश में,
और झूठ बोलने में जो है बड़ी बड़ी डींगे मारने में आपको बहुत मजा आता है। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो किसी से छुपी नहीं है, लगातार ऐसी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर बात की जा रही थी कि गांव को हम शहर से जोड़ रहे हैं, लेकिन कैसे जोड़ रहे हैं जब सड़क ही नहीं है, तो कैसे गाँव शहर से जुड़ पाएगा? और बारिश के दिनों में तो खासतौर पर ऐसे हालात हो जाते हैं कि सड़कें पूरी की पूरी बह जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, छोटी जो पुलियां होती हैं उनके ऊपर से पानी बह रहा होता है। तो एक कैसी सड़कें हैं और कैसी व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो इलाज के लिए निकलते हैं घर से बाहर? तो शायद पंकज जी से संपर्क नहीं हो पाया, भूपेंद्र जी, पंकज जी से तो बात नहीं हो पा रही है, लेकिन हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये जो बदहाल सड़कें हैं, सड़कें दरअसल ये जहां का मामला है भूपेंद्र जी, वहां पर सड़क है ही नहीं, वहां पर कच्ची सड़क है जिसे शायद ग्रामीणों ने अपने आप चलते चलते बना लिया है और उसी से ले जाया जा रहा है महिला को। 5 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं और उसके बाद महिला जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो पता चलता है कि उसकी जान जा चुकी है। बहुत ही दुखद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और अब बात करेंगे अंबिकापुर से खबर की, जहां पर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पत्नी ने पति के सिर पर डंडे से वार किया और पति की हत्या हो गई। घर की लाइट नहीं जलने पर पति से काफी नाराज हो गई महिला। पति ने पत्नी की बात को कर दिया था अनसुना और इस बात को लेकर दोनों का इतना ज्यादा विवाद हो गया कि गुस्से में आकर पत्नी ने पति के सिर पर डंडा मार दिया। मौके पर ही पति की मौत हो गई और ये पूरा चौंकाने वाला मामला है। महज लाइट नहीं जल पाने की वजह से पत्नी इतनी ज्यादा आग बबूला हो गई, विवाद हुआ और इस विवाद में डंडे से सिर पर वार किया गया, पति मौके पर ही दम तोड़ दिया। भोपाल से खबर है, जहां शिकायतकर्ता को धमकी देना भारी पड़ा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के एडीएफओ सस्पेंड किए गए हैं। एडीएफओ दिलीप कुमार मराठा को सस्पेंड किया गया। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर दी थी धमकी। प्रभारी सहायक वन संरक्षक दिलीप ने अभद्रता की थी। दिलीप ने शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया था। बड़ी जानकारी है भोपाल से, शिकायतकर्ता को धमकी देना भारी पड़ा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के एडीएफओ सस्पेंड किए गए हैं। एडीएफओ दिलीप कुमार मराठा को सस्पेंड कर दिया गया। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर दी थी धमकी। प्रभारी सहायक वन संरक्षक दिलीप ने की थी अभद्रता। दिलीप ने शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया था। और अब खबर भोपाल से, रेल यात्रियों की फिर बढ़ेगी मुश्किलें, क्योंकि भोपाल मंडल से गुजरने वाली 44 ट्रेनों को निरस्त किया गया है, रद्द किया गया है। 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक कई ट्रेनें निरस्त की गई हैं। दरअसल नॉन इंटरलॉकिंग के चलते एमपी में मेगा ब्लॉक किया जा रहा है। कोयम्बटूर निजामुद्दीन एक्सप्रेस सहित 44 ट्रेनें रद्द की गई है और इसके चलते जो लंबी दूरी है वो यात्री भी परेशान होंगे, प्रभावित होंगे। पहले से ही आप अगर कोई टिकट आपकी बुक हो चुकी है तो आप उसे चेक कर लीजिए, क्योंकि जो 44 ट्रेनें रद्द की गई हैं उसमें हो सकता है कि आपकी भी बुकिंग हो और एक बार फिर से इन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। भोपाल मंडल से गुजरने वाली 44 ट्रेनें निरस्त की गई हैं। 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये ट्रेनें निरस्त रहने वाली हैं। नॉन इंटरलॉकिंग के चलते एमपी में मेगा ब्लॉक किया गया। कोयम्बटूर निजामुद्दीन एक्सप्रेस सहित 44 ट्रेनें रद्द की गई हैं। बड़ी खबर भोपाल से। पेंड्रा में दादी की हत्या करने वाले पोते को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पोते ने अपने बुजुर्ग दादी की टंगिया मारकर हत्या कर दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। कुड़कई गांव में 22 साल के पोते ने की थी दादी की हत्या। अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाइट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। पोते ने अपनी ही दादी की हत्या कर दी, टंगिया मारकर हत्या कर दी गई। कुड़कई गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पूरा मामला थाने पहुंचा, उसके बाद कोर्ट पहुंचा, जहां पर आजीवन कारावास की सजा पोते को सुनाई गई है। बड़ा मामला पिंडरा का है, जहां पर टंगिया मारकर दादी की हत्या करने वाले आरोपी पोते को उम्र कैद की सजा न्यायालय ने सुनाई है। कांकेर में नकली खाद बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। नमक में
रंग लगाकर बनाते थे नकली खाद और नकली खाद सप्लाई करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्थान से गिरफ्तार किए गए आरोपी ऊंचे दामों पर नकली खाद बेचकर किसानों को चूना लगा रहे थे। नकली खाद बनाने वालों पर पंखाजुर पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी है कांकेर से, जहां पर नकली खाद बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। नमक में रंग लगाकर बनाते थे नकली खाद। नकली खाद सप्लाई करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान से गिरफ्तार किए गए आरोपी, यह एक तो दूसरे राज्य में जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी करना और लगभग पूरी विवेचना करना और वहां जाकर सभी आरोपियों को मेमोरेंडम कथन लेना और जो भी अपराध में शामिल दस्तावेज हैं या अन्य सामग्री है उनकी जब्ती करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। लेकिन इसमें राजस्थान पुलिस का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला और हमारी जो टीम थी, रामचंद्र साहू सब इंस्पेक्टर हैं और भी जो कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स जो गए थे, वो बड़े प्रोफेशनली बड़े दक्ष हैं और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। दंतेवाड़ा में बच्चों के अपहरण के मामले में पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। कोतवाली पुलिस ने फेरी वालों और ठेले वालों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। फेरी वालों और ठेले वालों को कोतवाली बुलाकर उनके सभी दस्तावेज चेक किए गए, साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भी ली गई। बता दें कि पोंदुम में बच्चे के अपहरण के बाद पुलिस अब फेरी वालों की कुंडली निकालने में लगी है। करीब 7 दिन पहले 6 महीने के बच्चे का अपहरण हो गया था, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। तो 7 दिन पहले बच्चे का अपहरण हुआ था। दरअसल दो बाइक सवार आए थे, उन्होंने कोई रास्ता पूछा, फिर उन्होंने पानी मांगा और जो भी चार आदिवासी था वो पानी लेने जैसे घर गया, बाहर बच्चे को सुला रहा था, खिला रहा था और ये जैसे ही पानी लेकर बाहर निकला, बच्चा गायब था। और जो बाइक सवार आए हुए थे वो उस बच्चे को लेकर जा चुके थे। काफी परेशान होने के बाद अभी पूरा मामला काफी गर्मा चुका है। आदिवासी समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और उसके चलते पुलिस की टीम अलर्ट हुई है। जितने भी ठेली गुमटी वाले उन सभी को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और अब आगे का क्या कुछ प्लान है ये भी आपको बताएंगे। दरअसल 6 महीने के बच्चे के अपहरण के बाद से आदिवासी समाज में बहुत ज्यादा नाराजगी इस वक्त देखी जा रही है। उज्जैन के नागदा तहसील के बीसीआई कॉलोनी में एक साधु से निर्वस्त्र कर मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार महंत गोपाल दास नागदा के नायन डैम पर अयोध्या धाम आश्रम के महंत नारायण दास त्यागी से मिलने आए थे और अब वे ट्रेन से उतरकर आश्रम जा रहे थे। जब वे जा रहे थे तभी गवर्नमेंट कॉलोनी के पास 2 लोगों ने उन्हें रोककर शराब के नशे में शराब के लिए रुपए मांगे। रुपए देने से मना करने पर आरोपियों ने संत के साथ मारपीट की। लक्ष्मण शेखावत बीजेपी नेता के भाई बताए जा रहे हैं। पुलिस ने महंत की शिकायत पर लक्ष्मण और विक्की पर बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है। दोनों आरोपी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है।